लेके आया बस। चाचू मर गया? सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो वापस से हम PUBG मोबाइल पर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं। एक्चुअली में क्या सीन है, देखो अभी तक सर्वर्स क्लोज नहीं हुए हैं और आप जानते हो कि पिछले 2-3 हफ्ते से वैसे भी कंडीशन ठीक नहीं है और ऊपर से कंटेंट भी नहीं है मेरे पास जब से ये बैन का नोटिस आया था। तो अब डिसाइड किया कि जब तक ये सर्वर्स चल रहे हैं तब तक हम PUBG खेलेंगे। अगर मतलब KR जैसे सुना है कि बैन नहीं हो रहा, तो अगर बैन होता है तो शायद मैं KR पर भी शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे तो अभी हम लोग मेन आईडी से खेल रहे हैं, कुछ बैन वाला सीन लग नहीं रहा, बट यहाँ पर एक्चुअली में अपने बंदों को गन्स नहीं मिली थी एंड मेरे पास एक M16 थी, तो उस जो गन फाइट हमारा हुआ था आराम से जाके उस बंदे को निपटा दिया। अब देखो भाई, सीरियसली बात करूँ इस टॉपिक के बारे में तो COD का काफ़ी लोग कह रहे थे कि वी विल सपोर्ट, बट इतना कुछ खास सपोर्ट देखने को मिला नहीं COD मोबाइल गेम प्ले में। एंड मुझे भी पता है कि मतलब PUBG के सामने COD इज़ लाइक नथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है एक बैटल ग्राउंड का गेम प्ले डालने में और एक मल्टीप्लेयर जो TDM टाइप होता है उसका गेम प्ले डालने में। तो सोच रहा हूँ कि देखो जब तक पॉसिबल है PUBG का गेम प्ले डालेंगे। बाकी मैं तो पर्सनली, मुझे तो यार नहीं चाहता कि मैं बैन हो। तो यार यहाँ पर अभी इस बोर्ड को मारने के बाद हम एक्चुअली में खेल रहे हैं अपने एम टीम के साथ, जो अपने राजपूत भाई हैं, पिकाचू, एम पिकाचू, एम चिंटू, इन लोग के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर अभी अपने ऊपर क्लच करवाने वाले हैं, वो भी एक PSS के साथ। मतलब यार वीडियो में बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी करते। ये देखो जरा, दो बंदे नॉक हो गए और दोनों को VSS से नॉक किया गया है। मतलब ऐसा क्या खास बंदा था वो? तो यहाँ पर देखो मैं उनके पास में जाके थोड़ा पीछे रुक गया, क्योंकि वो बंदा आएगा तो पुश संभाला जा सकता है उसका इजीली। और इस बंदे के पास एक VSS थी, ये सीधा इस पर पुश करने वाला था और काफ़ी इजीली इसको निपटा देते हैं। अब यहाँ से हम देखो टेलीपोर्ट मार के रोजोक हिल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर एक्चुअली में रोजोक में बंदे थे। और देखो भाई जरा कैसे निपटाते हैं 4v4 फाइट में। तो यहाँ पर यार क्या ही मतलब इजीली निपटा दिया इस पूरी टीम को। और ये वाला बंदा तो लिटरली ले जाता है, इसका किसी को पोजीशन पता ही नहीं था, लेकिन वो पता नहीं कैसे घूम के लग गया इतने से 4x के साथ। अब यहाँ पर हम ड्रॉप का पीछा करते हुए आए थे कि यहाँ पर हमें एक स्क्वाड दिख गई जो गाड़ीज लेके जा रहे थे ड्रॉप लूटने, बट ये पता नहीं क्या टेलीपोर्ट हो रहा है आजकल सर्वर में। अब इधर हम लोगों ने पूरा ट्राई तो किया, लेकिन पिकाचू को आजकल कार 90 डॉम चलाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। इसने हमारे फायर करने से पहले कार 90 चला दी और वो लोग वहाँ पर रुके भी नहीं ड्रॉप के पास। रुकते तो उनको ओपन में ही निपटा सकते थे हम लोग, बट अब क्योंकि वो दूर जा चुके हैं तो हमें उनके ऊपर पुश करना पड़ेगा। तो गाड़ी लेकर हम घुसा देते हैं उनके घर के बाजू में। अब यहाँ पर ये सारा तमाशा खत्म हो गया और आई एम लाइक, मैं जाके बोलता हूँ कि ओ माय गॉड सब खत्म हो गया, वाओ। मेरा मतलब रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि अपने ये बॉट टाइप के बंदे सबको ले जाएंगे। अब यहाँ पर एक बेचारे की गाड़ी पलट जाती है। तो हम उस बंदे को फिनिश ना करके उसको ज़िंदा छोड़ देते हैं। और एक्चुअली में क्या लगता है हमें कि शायद उसके बंदे उसको बचाने आएंगे, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सीन होता है। जैसे हम पुश करने जाते हैं उसके टीममेट्स वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। तो ज़रा देखो कैसे निकालते हैं वाला फाइटर। Thank you.
तो भाई यहाँ पर तो वो जो नेट था उसने काफ़ी ज़्यादा गंदा डैमेज दे दिया, जिसकी वजह से मैं उस बंदे को निपटा नहीं पाया। तो अब भाई किसको लगता है कि हर स्क्वाड में ऐसी हरकतें नहीं होती। मैं यहाँ पर नॉक पड़ा हूँ और मैं बोल के गया हूँ कि मैं AFK हूँ, मैं जूस पीने गया था। इतने में ये बंदे देखो भाई, मतलब कोई देख भी नहीं रहा कि अपना बंदा नॉक पड़ा है। अब एक ड्रॉप आने पर यूजुअली टीम क्या करती है, स्मोक्स करती है ना, लेकिन ओम के खो जाने का डर भाई हमें भी रहता है। नेट तो था नहीं, तो यहाँ पर मैंने वो मोली उठा के फेंक दिया पिकाचु के ऊपर। तो इसके बाद राजपूत ने घासों में जाकर पिकाचू को अपनी ओम दे दी। अब ओम हमारे पास है तो ओम हमें भी किसी को देनी पड़ेगी। तो पहला शॉट तो यहाँ पर पता नहीं कैसे मिस कर दिया, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद स्नाइपिंग कर रहा हूँ। मैं पिछले 15-20 दिनों से खेला भी नहीं हूँ, और अचानक से मतलब ओम हाथ में पकड़ना और उसको चला देना एकदम से तो हो नहीं पाता। अब यूजुअली यहाँ पर क्या सीन था, देखो सामने की तरफ एक स्क्वाड थी, वो लोग डासिया लेके वहाँ पर आए थे, उनका एक बंदा बगी लेके बाद में आएगा, वो भी मतलब 3-1 का जो स्प्लिट होता है उसको यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि हमारे पास एक व्हीकल था, तो चिंटू ने क्या किया, वो अपना गाड़ी लेके उन लोगों के पीछे चला गया, मतलब ब्रिज के पास चला गया, जिसकी वजह से इन लोगों को हम हर तरफ से घेर लेंगे। अपने पिकाचू और राजपूत इस तरफ से जाएंगे, चिंटू पीछे ब्रिज पर, और मैं यहाँ पर एक हाइट पकड़ लूँगा, जिसकी वजह से उनको मतलब बीच में ऐसे एक छेद में सबको अपना कर देना बस। अब यहाँ पर किल्स तो नहीं, लेकिन एक काफ़ी अच्छा खासा डैमेज मिल गया हमें। अब यहाँ पर तो हम सब ने पेचे लड़ा लिया आपस में, और इधर जो ये स्क्वाड हाउस है इसके आसपास से कहीं से साउंड आया था M4 चलने का, और यहाँ पर जब हम क्लोज आए हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें बंदा है या नहीं, लेकिन अब देखना ज़रा वो बंदा क्या ही सरप्राइज़ देगा हम लोग को। अब यार क्या ही बोले इस पिकाचू के बारे में, मतलब हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था ये भी। तो इस बंदे को तो काफ़ी इजीली यहाँ पर निपटा दिया, पीका ने भी एक हेडशॉट मारा था ऐसा उसका कहना था, बाकी कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखना भाई कि कैंपिंग लेवल बंदे किस हद तक कर सकते हैं। सामने क्या लग रहा है, कोई नहीं है, ठीक है। अभी देखना जरा क्या होगा मेरे आगे जाते ही। मतलब देख रहे हो वहाँ पर राइट में वॉल से एक बंदा बाहर आया, टॉप फ्लोर से एक बंदा बाहर आया, और बालकनी से एक बंदा बाहर आया, और सामने पेड़ से भी एक बंदा बाहर आया। चारों के चारों ऐसे गंदी कैंपिंग करके बैठे थे ना कि मतलब क्या ही बोले भाई, इतना गलत कैंप कौन करता है यार। और यहाँ पर चिंटू और हम फंस गए। अब वीडियो को जरा पॉज करो, एक बार पीछे जाके देखना, देख सकते हो स्लो मोशन में कि वो तीनों चारों बंदे कैसे एकदम मुंडी बाहर निकालते हैं अपनी। लिटरली एक बार के तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो पॉज करो वीडियो, बताओ कि क्या हम यहाँ पर बच जाएंगे या फिर अपना पिकाचू और राजपूत डुओ भी स्क्वाड खेलने वाले हैं आगे। पॉज करो, कमेंट करो और वापस आके वीडियो देखो। अब भाई चांस की बात है कि यहाँ पर हम बच गए, और ये बंदा जिसका शायद पिंग हाई रहा होगा, जियो वाला होगा, ये जियो वाला को काफी दिक्कत दे रहा है आजकल, पिंग पता नहीं क्या है सीन है अंबानी जी का। तो बस यहाँ पर अब एक बंदा हो रहा है जिसको हम इजीली ऑम्स से निपटा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या। किधर है मार्क कर रहा है, अरे मैया रे क्या मारा।